तीनों लोगों से न्यारी काशी के पुराधिपति परिवार संग निकले काशी के भ्रमण पर। मौका था रंग भरी एकादशी का। इस दिन काशी मानो भोले भंडारी के रंग में रंग जाती है। भोले बाबा इस दिन माँ पार्वती के साथ खुद ही निकलते हैं भ्रमण के लिए। आज के पावन दिन बाबा के चल प्रतिमा का भी दर्शन श्रद्धालुओं को होता है और बाबा के दर्शन को मानो आस्था का जन सैलाब काशी की इन गलियों में उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि देवलोक के सारे देवी देवता इस दिन स्वर्गलोक से बाबा के ऊपर गुलाल फेंकते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जगह अबीर और गुलाल के रंगों से सराबोर हो जाती है। भक्त जमकर बाबा के साथ होली खेलते हैं और मान्यता ये भी है कि बाबा इस दिन माँ पार्वती का गौना करा कर वापस लौटते हैं। बाबा के पावन मूर्ति को बाबा विश्वनाथ के आसान पर बैठाया जाता है। धार्मिक नगरी वाराणसी रंग भरी एकादशी के दिन रंगों और गुलाल से मानो नहा उठती है और ये रंग भी चटकीला हो जाता है जब ये रंग बाबा और माँ पार्वती के ऊपर पड़ता है। मान्यता है कि बाबा के साथ आज के दिन होली खेल मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आज के दिन काशी से ही नहीं देश के अन्य जगहों से भी श्रद्धालु आते हैं जो बाबा विश्वनाथ और माँ पार्वती की चल प्रतिमा को रंग गुलाल लगाकर अपनी सभी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। शिवरात्रि के बाद पड़ने वाली एकादशी को बाबा का गौना होता है जबकि बसंत पंचमी को तिलक और शिवरात्रि को शादी होती है माँ पार्वती से। ये परंपरा लगभग 300 साल पुरानी है जो इसी तरह होती चली आ रही है। हर काशीवासी बाबा को गुलाल लगाना चाहता है और बाबा सबके साथ अबीर और गुलाल की होली खेलते हैं। भले ही ब्रज की होली और बरसाने की होली का अपना एक अलग ही महत्व है लेकिन बाबा विश्वनाथ तो जन के साथ देवों के भी गुरु हैं। तो हुई ना काशी की होली कुछ खास। वैसे तो काशी में रंगों की छटा शिवरात्रि के दिन से ही शुरू हो जाती है लेकिन काशी नगरी में एक दिन ऐसा भी रहता है जब बाबा खुद अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा की चल प्रतिमा अपने परिवार के साथ निकलती है। वैसे तो मथुरा और ब्रज की होली मशहूर है लेकिन रंग भरी एकादशी के दिन साल में एक बार बाबा अपने परिवार के साथ निकलते हैं। आज ही के दिन बाबा विश्वनाथ का गौना भी होता है। वाराणसी से द इंडियन ओपिनियन के लिए पुरुषोत्तम सिंह की रिपोर्ट।